उनके रूम में जाती है। जिमिन तुम यहाँ? भैया आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं तो झूठ मत बोलिए, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ है भैया? मैंने आज तक मेरी भैया की आंखों में आंसू नहीं देखी है। आज आप रो रहे हो, इसका मतलब बड़ा कुछ हुआ है। क्या हुआ है भैया? कुछ नहीं हुआ है जिमिन। भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, इसलिए आप मुझे बोलना नहीं चाहती हो, है ना? आप मुझे छोटी बहन ना समझ के अपना दोस्त समझिए और आपकी दिल की बात मुझसे शेयर कीजिए। जिमी, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाई? भैया कौन आपके प्यार को समझ नहीं पाई और किसके बिना आप रह नहीं पाएंगे? भैया मुझे सब खुलकर बताइए। मैं मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हें भी क्या ऐसा हो रहा है? हाँ मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। जब से तुमने मुझे हक किया है तब से। जंगू तुम यहाँ? बटरफ्लाई तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। सच चिल रहो, तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। हाँ कुछ नहीं करोगे? क्या बकवास कर रहे हो बेशरम कैका, तुम यहाँ से जाओ। हाँ जाऊँगा तुम्हें सुलाने के बाद। तुम्हें तो नींद नहीं आ रही है, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें सुलाने के लिए। आ जाओ मैं तुम्हें सुला देता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगी। तुम यहाँ से जाओ, घर जाके खुद सो जाओ। बटरफ्लाई मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। पता नहीं क्यों जंकू, मुझे हर वक्त तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, जब तुम मेरे पास रहते हो तब मुझे लगता है मुझे मेरी हर खुशी मिल गई है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल में एक अजीब सा फील होने लगती है, मुझे तुम्हारे सीने में सर रखने का मन करता है, तुम्हें हग करने का मन करता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो तुम्हें रोका किसने है? आ जाओ। ये जिमिन कहाँ गई? रूम में नहीं है, शायद वॉशरूम में होगी। सुबह जाके वॉशरूम चेक करता है, जिमिन नहीं मिलती है। इतनी रात को ये कहाँ गई? शायद दूसरे कमरे में हो सकती है, मैं जाकर देखता हूँ। सुबह जिमिन को ढूंढने लगता है। भैया आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बोला? उस चुड़ैल के वजह से आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई है। उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिमिन मैं अब क्या करूँ? भैया आप शांत हो जाओ, आप उसके एड्रेस दीजिए, मैं उनसे जाके बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। नहीं जिमिन तू कुछ नहीं कहेगी, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से उसे कोई परेशानी हो, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं नहीं चाहता हूँ तू उसे जगह कुछ कहे। जिमिन प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं होता है, मेरा प्यार एक तरफा है और मैं इस एक तरफा प्यार के साथ ही जी लूंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। भैया उसे आपके प्यार को समझना पड़ेगा। नहीं जिमिन उसे उसके तरह खुश रहने दे, वो मेरी किस्मत में नहीं है, अगर होती तो मुझे जरूर मिलती।
तुझे पता है मैं कभी नहीं सोचा था मैं किससे प्यार करूंगा। मुझे भी लाबर्ट फर्स्ट साइट होगा, लेकिन मुझे हुआ है। मैं उसकी खूबसूरती की नहीं एटीट्यूड की दीवाना हूँ। वो एक शेरनी की तरह है। मैं उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पे मैं हमेशा हंसी देखता था। भैया प्लीज अब रोइए मत। वो मेरे भैया को रुला के कैसे खुश हो सकती है? उसने मेरी भैया के प्यार को ठुकरा दिया। उसे मेरी भैया के प्यार को समझना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार मेरे भैया ने किसी से प्यार किया है। मैं मेरे भैया के प्यार को ऐसे अधूरा रहने नहीं दूंगी। पहले मुझे इस ट्यूटोरियल का कुछ करना पड़ेगा। एक जिमिन कौन से रूम में है? सारे रूम चेक कर लिया है, बस यही एक रूम बाकी है। सुगा हंसवी के रूम में चले जाते हैं। ओह तो तुम यहाँ पे हो? सुगा हंसवी को पीछे से हक कर लेता है। जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, खुद मैं भी नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारा पूरा हक है। हाँ तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें बीच में दोस्ती वाली बात बोलना जरूरी था? हाँ तुम तो मेरे दोस्त हो ना? ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने क्या कुछ गलत बोला? नहीं तुमने कुछ गलत नहीं बोला, और मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो खुद पे गुस्सा हूँ। तुम अब सो जाओ, बहुत रात हो चुका है, मैं चलता हूँ। तेज जागू का हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? घर। तुम जो करने आए थे वो करोगे नहीं? मतलब तुम ऐसे नर्वस क्यों हो रहे हो? तुम जो करने आए थे वो किए बिना ही जा रहे हो? मैं क्या करने आया था, मैं भूल गया। क्या तुम भूल गए? तुम तो बड़े भुलक्कड़ हो, तुम मुझे सुनाने आए थे। हाँ ओहो, चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे सर पे हाथ चला देता हूँ। जैकू तुम भी मेरे पास सो ना। क्या? हाँ जैकॉक सो जाते हैं। ते तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है ना? नहीं तो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब सो जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैकॉक का टच मैंने पहले भी फील किया है? जैकॉक का टच मुझे उस टच की तरह लग रहा है जो हर रोज रात को मुझे हक करके सोते हैं। इसका मतलब वो क्या जंकुक है? नहीं नहीं तू ये क्या सोच रही है ते? वो जंकुक कैसे हो सकता है? वो मेरी रैम है, मेरा सपना है जो मैं हर रोज देखती हूँ। क्या हुआ, अब भी नींद नहीं आ रही है? मैं तो तुम्हारे पास हूँ, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? आँख बंद करो और सो जाओ। इतनी रात को फटे हुए स्पीकर की तरह चिल्ला कर रही हो? तुम्हारे वजह से मोहल्ले वाले जग जाएंगे और रास्ते के कुत्ते तुम्हारी ऐसे आवाज सुन के डर के भाग जाएंगे। हंसी जाकर आराम को हक कर लेती है। इसे सिर्फ मौका चाहिए भैया के साथ चिपकने के लिए। जिमी ने हंसी को हटा देती है। हटो, सांस लेने दो उन्हें। दूर से बोलो क्या हुआ है? अरे मुझे डर लग रही है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें, डर क्यों लग रहा है? हंसी मैं तो जानती थी डर तुम्हें देखकर भागती है। शट अप जिमिन। अरे इस घर में कोई है क्या? हाँ कोई मुझे पीछे से आके पकड़ लिया था, मेरे चिल्लाते ही वो भाग गया। क्या तुम्हें क्या बोल रही हो, इस घर में कोई कैसे आएगा? हमने तो दरवाजा अंदर से लॉक करके रखा है और तो और बाहर सिक्योरिटी भी है। मैं सच बोल रही हूँ अरे भैया, आ सकता है, आपको शायद पता नहीं है।
हानसन से मिलने के लिए उसे दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या बोल रही है जिमिन, तुम कहना क्या चाहती हो? भैया आप समझ नहीं रहे हो, चूरन से मिलने के लिए भूती तो आएंगे ना, और भूतों को तो सर पर नहीं होती है और उन्हें दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती है। बकवास बंद कर अपना जिमिन, वो इंसान था और वो एक लड़का था। तुम्हें कैसे पता वो एक लड़का था? जिमिन वो मुझे पकड़ के ही मैं समझ गई, वो एक लड़का था। एक मिनट, वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना जो तुमसे मिलने आया था और वो गलती से तुम्हें समझ के मुझे पकड़ लिया? बॉयफ्रेंड? मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम क्या सपना देख रहे थे? अजीब इंसान हो यार, मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं जग रही थी। इतनी रात को कौन आ सकता है? सुगा? इस सुगा तो नहीं आया था, क्योंकि वही है जो दरवाजे से नहीं आता है। पता नहीं वो कहाँ से कैसे आते हैं। अगर ये सुगा हुआ तो मैं उसका कल बैंड बजाऊंगी। मेरे और दूसरे लड़के में फर्क नहीं समझता है, और उसे हक करने की क्या जरूरत थी ओ भी इस चुड़ैल को। भैया इसके मुंह बंद करने के लिए बोलिए, इसके दिमाग खराब हो गई है, इसे नींद की दवाई खाकर सोने के लिए बोलिए। पागल लड़की, एक एक जमीन चली जाती है। हंसी सो जाओ, एक एक आराम चला जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसे बैठा क्यों है? क्या हुआ था कल रात को? तू कब आया? सुबह होने से पहले ही। लगता है तो सारी रात सोया नहीं है। बात क्या है ब्रो, कैसे सोऊंगा? तुझे पता है कल रात मैंने जिमिन समझ के किसी और लड़की को पीछे हक कर लिया। क्या? हाँ भाई, सुबह जंगो को सब बताता है। भैया तू ऐसे कैसे कर सकता है? तू अपने प्यार को पहचान नहीं पाया? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ तुझे तो मजा आएगा ही, देखा जैसे करनी वैसी भरनी। बस जिमिन को एक बार इसके बारे में पता चल जाए, उसके बाद वो तेरा जो हाल करेगा वो मैं देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तू मेरा भाई है या दुश्मन, जो तू समझेगा। मैं तो चला कॉलेज, तू सोच क्या करेगा। जैकब चला जाता है। सुगा क्या हुआ, तू कॉलेज नहीं जाएगा? हाँ दी जाऊंगा। तो यहाँ ऐसे क्यों बैठा है? जा जाके फ्रेश हो जा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। एक एक जिम चली थी ना जाने कॉलेज में आज क्या होगा। मैं डर क्यों रहा हूँ, जिमिन को थोड़ी ना पता।